हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू योर न्यू ब्लॉग। तो वैसे आज ब्लॉग स्टार्ट हो रहे हैं, 2 बजे से स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लॉग, बिकॉज मुझे अभी जाना है मतलब पहाड़ वो ऊपर वाले छानियों के घर में। ये सारे मतलब मेरी मम्मी दीदी सब वही हैं, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, तो इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। तो आज ना मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, पूरा बारिश लगी हुई है बाहर, सुबह छाता नहीं था इसलिए तो मैं गया नहीं ऊपर इस टाइम तक। अभी भी बारिश लगी, जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। तो मौसम दिखाता हूँ बाहर कैसे, उसका पूरा बारिश 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 लगी हुई है, सुबह से ही बारिश लगी हुई है। अब बाहर चल के देखते हैं कैसा है मौसम। मेरे पहाड़ों में पहाड़ों में पहाड़ों में जन्नत दिखती है, लिखावट मेरी पहाड़ों पर ये लिखती है मेरे। कुछ हिसाब से बाहर मौसम उठ गया, आज बारिश बारिश चारों तरफ। तो मैं चलता हूँ फटाफट से ऊपर, कुछ जुगाड़ लगाता हूँ पहनने के लिए क्या रहता है। तो हाँ, ये वाली हुडी डालता हूँ मैं, ये हुडी पहन के चलता हूँ ऊपर। तो चलो चलते हैं फटाफट। देखो पहाड़ी लड़का फील में, फील में कर रहा, देखो पूरा चिल में, चिल में पहाड़ों की ये ऊंची हील में, हील में लाया देखो पहाड़ी ड्रील में, ड्रील में देखो पहाड़ी लड़का फील में, फील में कर रहा, देखो पूरा चिल में। बस कुछ ऐसे लग रहा मैं, क्योंकि मैंने बारिश के लिए बारिश से बचने के लिए ये पहन लिया। और चल दिया मैं आधे रास्ते, पीछे गांव से थोड़ा ऊपर आ गया मैं, तो आधे रास्ते फिर भी हाँ अभी थोड़ा क्या होगी कि एक्चुअली में बारिश कम कम हो गई है। कैसे लग रहा हूँ इसमें, तो पहाड़ों में पहाड़ों में पहाड़ों में जन्नत दिखती है, लिखावट मेरी पहाड़ों पर ये लिखती है। तो अभी फाइनली मैं चाइना पहुंच चुका हूँ, यहाँ से थोड़ा ही रह रखा। आप लोगों को दिखाता हूँ चाइना का व्यू कैसे है, क्योंकि मैंने नहीं दिखाया ना आप लोगों को, खाली बोला है ब्लॉग में। तो हाँ चाइना दिखाता हूँ किस तरह है। वैसे जो हमारे गांव का मतलब एक हिस्सा ही लगा लो, हिस्सा ही है वो मोहल्ला समझ लो। तो हाँ दिखाता हूँ, बारिश तो अभी थोड़ा थोड़ा बंद हो चुकी है, बादल भी यहाँ से नीचे से उड़ने लगे, मतलब आसमान साफ होने लग गया थोड़ा बहुत। तो हाँ यहाँ से चाइना दिखाता हूँ। लाया देखो पहाड़ी ड्रील में, देखो पहाड़ी लड़का फील में, कर रहा देखो पूरा चिल में, पहाड़ों की ये ऊंची हील में, लाया देखो पहाड़ी ड्रील में, देखो पहाड़ी लड़का फील में, कर रहा देखो पूरा चिल में, पहाड़ों की ये ऊंची हील में, आया आया लेके पहाड़ी पहाड़ी ड्रील, दाजू कर रहे मेरे चिल, हाथी पहाड़ों में जो। तो बस अभी पूछ चुका हूँ मैं चाइना के ऊपर ऊपर, ये चाइना गाँव कुछ इस तरह से मतलब एक वहाँ ज़्यादा चाहे 20-25 परिवार रहते होंगे। तो हाँ पहाड़ों में ना आजकल एक चीज़ की दिक्कत नहीं होती है, पानी। ये पानी आजकल कहीं भी आ जाता है, पानी 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 हर जगह पानी, यहाँ भी रोड पे भी पानी आ चुका है आजकल। यहाँ पे जहाँ पे देख सकते हो, दिखाता आप लोग को, यहाँ पे भी ना पानी आ गया। जैसे ज़्यादा ज़्यादा बारिश लगेगी तो पहाड़ों में पानी उतना ज़्यादा आता रहता है इस महीने में ना, बरसात के महीने में। यहाँ पे भी पानी आ गया, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देख सकते हो गाइस पानी आ चुका है यहाँ पे भी, ये पहले नहीं आता था यहाँ, आज बरसात बहुत मतलब ज़्यादा लगी तो यहाँ पे भी पानी आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हो पूरा पानी पानी आ चुका है, पर अभी थोड़ा सा ही आ रहा है। अगर ज़्यादा ज़्यादा बरसात लगेगी तो कुछ ज़्यादा ही पानी आएगा, यहाँ से नीचे बहते हुए रोड से नीचे जा रहे हैं। पहाड़ों में ये चीज़ तो सही है यार, पानी कितना, पानी की कमी नहीं है पहाड़ों में, नेचुरल कितना बहता बहता है बहता है बहता है बहता है कितने पानी। क्योंकि प्लेनेरियो में ये होता है कि यार पानी की कमी हो जाती है, मतलब बहुत खारा पानी रहता है ना प्लेनेरियो में। तो हाँ पहाड़ों में ना बहता हुआ पानी भी शुद्ध कोई भी पी सकते हैं, शुद्ध पानी रहता है पहाड़ों में। तो हाँ तो बस अभी शाम के 6 बज चुके हैं, क्योंकि भैया जब मैं वहाँ नीचे से ऊपर आ रहा था, मैं खाना खाया तो मैं सीधा सो गया था, अभी तक सो ही रखा। इसलिए अभी तो मतलब बारिश बंद हो चुकी है और उस तरफ से मतलब वाइट वाइट कोहरा ही कोहरा लग चुका है, मैं थोड़ा सफ़ेद कुछ दिख नहीं रहा। आप लोगों को दिखाता हूँ ये देख लो।
कुछ इस तरह से पूरा वाइट वाइट हो गया, कोरा ही कोरा। तो मैं अभी जा रहा हूँ गाँव और मुझे ले जाने हैं ये चीज़ें, ये लकड़ियाँ ले जाने हैं। और रास्ते में करूँगा मैं ब्लॉग करूँगा ऐसे नहीं, तो फटाफट चलो कि लेट हो चुका, अंधेरा हो जाएगा गाँव जाते जाते। तो चलता हूँ मैं फटाफट से।